हम जा रहे हैं जिस वक्त डेलस टेक्सास से एल पैसो टेक्सास। तो बात स्टार्ट करते हैं जी कि ओनर ऑपरेटर्स कितना पैसा बना देते हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज लगाओ $2 पर माइल, ठीक है। अगर आपने 10,000 माइल्स ट्रक चलाया तो $2 के हिसाब से आपने ग्रोस इनकम आई $20,000 डेली आपको लोड मिल रहे हैं। अगर $2 की एवरेज लगाएं तो आप $15 से $20 कमा सकते हो। ये शिफ्ट मेरी स्टार्ट करने लगी, तो शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ सायरा। ट्रका वालों की हालचाल, जैसा कि आपको पता ही है कि जी हमने लोड उतारा ही था कल का वाला लोड पोस्ट ऑफिस पे, तो हम बड़े रिलैक्स थे जी कि आज बस हम सोई है, शामी देखांगे सुबह देखांगे। तो जी जैसे भी लोग एंड किया है, 5 मिनट बाद जी नेक्स्ट लोड मिल गया हमें डेलस टेक्सास से, और वही हम पिक करने जा रहे थे जी। मैं वही की वही स्लीपिंग सूट में जो है ना फंसी पड़ी हूँ। स्लिपिंग नहीं हो रही जी, ऐसा कर्मा वाला सूट पा लिया आज तो मैं। ये देखिए जी कितना खूबसूरत एक ब्रिज सा है हमारे राइट लेफ्ट पे कोई लेके, और ये लोड है जी पेप्सी बोटर्स वालों का, पेप्सी कंपनी है। क्या लोड है जाके देखते हैं। तो जहाँ पे हमने ड्रॉप किया वहां से 12 मिनट में जाना पड़ा बिल्कुल पास ही था। डेलस यूनिवर्सिटी है जी। कामन इतनी दूर आप पढ़ रहे हैं, वो सामने लिखी हुई है डेलस बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी। इसलिए थोड़ा दसों तरह यूनिवर्सिटी के बारे में, डेलस बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी बारे में पहुंच के आपको जो ना करीब से दिखाते हैं। फैक्ट्री आगे है तो एंटर होने से पहले जी। What does it starts with? It's 3592-5133. जिन्होंने कॉल वाला बनाया कि जी कॉल करें यहाँ पे, यहाँ पे पिकअप नंबर दें और फिर वो आगे आपको डिटेल्स बताएंगे जी। काफी बड़ी फैक्ट्री है, खूबसूरत भी है, एरिया बहुत खूबसूरत है। नेग्रा डेवस जी चेक इन कर लिए, डोर नंबर 18 मिला है जी। 18 पहले कहा था उन्होंने, फिर अभी कॉल आई है जी डोर नंबर 40 पे लगा दें। चलो जी आगे स्पेस काफी है, जरा ना आगे फटाफट सोइए, घंटा लगता दो लगता है जितना भी टाइम मिलता है। चलो जी मिलते हैं। A few moments later. नहीं जी दरवाजे खोल दिए हैं और डार्क 40 पे लगाने लगे, और जरा टेंडर भी उन्होंने कहा जी इसको पूरे ऑल द वे बैक कर दें। तो लो जी हमने इसका मड फ्लैप भी पूछा था आपने, मड फ्लैप मैंने ले लिया हुआ है, तो बस इसको वो लगाना ही है। तो इस लोड के लेके ना रास्ते में कहीं लगवाते हैं। तो ये देखिए जी, इस किसी भाई ने पूछा था कि इनको स्लाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम सऊदीया में चलाते हैं तो हमारे पास हमारा जो ट्रेलर है वो स्लाइडेबल नहीं है। तो भाईजान ये है 53 फुटर ट्रेलर, ठीक है। तो जितने भी 53 फुटर ट्रेलर होते हैं ना वो स्लाइडेबल ही होते हैं, क्योंकि आप इस ट्रेलर को ऑल द वे
ट्रक इन पहियों को सेट करके नहीं चला सकते, फिर इनको टर्न करना लेफ्ट राइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे भी बाय लॉ अमेरिका में अलाउ नहीं है कि आप इसको पूरा पीछे करके चलाएं, ये टर्न लेफ्ट राइट टर्न नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो इसकी लंबाई की वजह से उन्होंने ये एडजस्टेबल रखे हैं ताकि, हाँ जी आने दो ताकि, क्योंकि बड़ा ट्रेलर है, कई दफ़ा वेट यहाँ तक होता है, कई दफ़ा वेट यहाँ तक होता है, कई दफ़ा वेट, तो आपने वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है लोड के हिसाब से। तो जो मे भी आप शायद जो चला रहे हैं वो हो सकता है 30 फुटर हो या 40 फुटर हो, इसलिए वो एडजस्टेबल। चलो हो गया जी, तो जी पैकिंग कर लिया, गर्मी बहुत है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे थे जी कि जो हमारा ट्रेलर है ये एडजस्ट कैसे होता है, भाई ने पूछा था, मैंने दिखा भी दिया कैसे होता है, क्यों होता है। मेनली इसकी रीजन है कि जी आपने वेट एडजस्ट करना होता है। अगर आपके पास 30 फिटर या 40 फिटर है उसमें वो पूरा भी फुल हो तो उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका वो विद इन रेंज में होगा, लिमिट जो भी यहाँ पे होती है। हमारे टोटल वेट होता है 80,000 पाउंड, तो हमें उसके अंडर ही रहना पड़ता है, तो उस हिसाब से वेट को एडजस्ट करना होता है। तो उसके मुताबिक अगर वेट आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो चलने में भी प्रॉब्लम होगी, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा और रास्ते में आपको दुश्वारी आएगी जी राइट लेफ्ट टर्न करने में भी। तो इस वजह से ये स्लाइडेबल है, अमेरिका में सबसे बड़ा वाला ट्रेलर यही है 53 फीटर। उम्मीद करते हैं जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो जी अभी हम सोने लगे, जब तक ये लोडिंग होती है 1 घंटा 2 घंटा, तो उस मुताबिक हम उठ के जी फिर आपको दोबारा मिलेंगे और जी आपको बाकी सफर की डिटेल बताएंगे। 2 hours later जी गाइस, तकरीबन 1.5 घंटे के वेट के बाद मैं तो सो गया था। ये ले जी, ये एक्वाफिना की पानी वाली बोतल है ना यार, मुझे भी चाहिए वैसे एक मैं तो रास्ते में बाय करूँगा। ये ले जी, ये पानी का केस है, ये तकरीबन 32 बोतलों का केस है, वो जा रहा है, इसका वेट भी है तकरीबन 42,000। ओके जी, ये पेप्सी वालों का लोड है, एक्वाफिना पेप्सी सेम ही है। तो चलो जी करिए दरवाजे बंद, पेपर बुक फड़ी है तो फिर निकलिए। तो दरवाजे वगैरह बंद करने के बाद वो कह रहे थे यहाँ पे सेल्फ चेकआउट करना पड़ेगा जी, यहाँ पे सेल्फ चेकआउट कर देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है जी। एंटर योर ट्रेलर नंबर, Yeah, I did work here. Thank you. You're welcome. Seal number, okay. So, yahan se seal leke ye number aise dal dena. Log. So, aise yahan se paperwork aa jayega aur we are good to go. Checkout, self-checkout kar liya, aur dusri ye ji hame pani chahiye tha aur pani hame mil gaya. ये यहाँ की मजे की बात है, जब आप पेप्सी वालों पे आए जो कुछ वो पड़ा हो फ्री होता है यहाँ पे। चलो जी पानी पकड़ लें। तो जी चेकआउट भी कर लिया है, पानी भी मिल गया फ्री का। तो चलो जी यहाँ से रफू चक्कर, तो सील लग गई, डोर वगैरह चेक कर लिए दोबारा, और जी टेंडर दोबारा एडजस्ट कर लिया, और रास्ते में इसका मड फ्लैप भी लगवाते हैं, और ये एडजस्ट हो गया है जी, बिल्कुल फिट है, क्योंकि लोड यहाँ तक है जी, पानी यहाँ तक पड़ा है तकरीबन, तो बिल्कुल उसके ऊपर ही आ गया। तो 44,000 पाउंड जी इसका वेट है। तो जी सब कुछ ओके है, डोर बंद हो गए, टेंडम से एडजस्ट हो गए, पेपर वर्क आ गया है, और पानी भी मिल गया है जी। पानी तो आप और भी केस पड़े हैं, मगर आपको खुद एहसास करना चाहिए कि नहीं एक केस ले लो बजाय, क्योंकि और ड्राइवर आए गर्मी है तो उनके लिए भी छोड़ना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे पड़े तो आप ज्यादा उठा लो। तो चलते जी अपने सफर का आगाज करते हैं, हम जा रहे हैं जी इस वक्त डेलस टेक्सास से एल पासो टेक्सास। आपको याद होगा जी हम वहाँ पे 2-3 दफा जा चुके हैं मेक्सिको बॉर्डर के पास, तो यही रोड भी वहाँ पे जा रहे हैं। 622 माइल्स है डेलस से, जो कि अभी शाम के 5 बज रहे, हम रात को कोई 2-3 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तकरीबन एक पूरी शिफ्ट लग जानी है, लेट्स सी। तो ये जी लोड की डिटेल, सायरा सो रही है, मैं भी थोड़ी देर सोया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हूँ, मैं चला लूँगा 4-5 घंटे मैं चलाऊँगा, फिर 2-4 घंटे सायरा चलाएगी, तो हम वही शिफ्ट में इसको पूरा कर लेंगे। तो चलो जी लेते हैं खुदा का नाम और अपने सफर का आगाज करते हैं।
2 hours later. मुझे दो घंटे की ड्राइव के बाद जी ट्रैफिक श्रैफिक सारी डैलस की कट के जी ऐसी इस टाइम 150 mile कर लेता है ते मैं जरा चंद्रो गया चिकन ले के आया ते कोई नाल ही उठ गया जी हैं उंज नहीं सी उठना तुसी नहीं खाना वे के हर कोई उठ जाते सही हो गया आवाज मारी सारा चिकन आ गया सारा अच्छा। ट्रुक करके तो जब भी मैं लो मैं नहीं खांदी बस आलो अच्छा जी तो जी सफर हमारा है अभी हमने बताया कि मैं पानी मिला फ्री हां जी मैंने बताया फिर मैं पूरा चुक के मोड़े पे रख के आया हूं देखा वे सारा मेरा लड़े तुझे की कोर ले के आना सी तुझे नहीं कि मेरी बीवी का भी दो पानी है कहते दो ड्राइवर है सारे दो बंद है कोई बंदा नहीं कोई कुछ नहीं कोविड ने आके ना बुरे लोगों नु खराब कर छड़िया अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं अभी हमारे पास 490 miles है तो जो के दो चार दो तीन घंटे और चलाऊंगा उठ गई वो चिकन खा लिया जी बोटियां दो खादियां जी पूरियां किसी ने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी लेकिन मैं भी क्या नहीं मैं भी सर मैं तो वैसे पोली की आवाज मारी थी कि सायरा कुछ खाना है तो क्या नहीं पोली जी आवाज नहीं ना फिर मारी थी तो जी गाइस आज हम बात करेंगे जी गपशप लगाते हैं काफी सारे लोगों ने काफी दफा पूछा है कि जी ओनर ऑपरेटर कितना का पैसा कमा लेते हैं ओनर ऑपरेटर मतलब के ट्रक के मालकान अगर आपका ट्रक अपना है तो आप कितने पैसे बना सकते हैं ऐ तो टॉपिक केड़ा बड़ा फेवरेट है जी बड़े लोगों की जी तो आज गपशप लगानी है जी पैसों पर हां जी बड़े लोग चाहते थे जी इस पे बात हो हमें पता चले तो काफी लोग जो ओनर ऑपरेटर्स हैं जी वो इनकम बताते भी नहीं है तो हम बात करेंगे जी आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि पिछले 1.5 साल से ट्रकिंग फील्ड में काफी सारे क्राइसिस आए हुए हैं स्टिल गोइंग ऑन अभी ट्रकिंग वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी दो साल पहले 5 साल पहले 10 साल पहले बहुत पैसा था मगर पिछले कुछ 1.5-2 साल पे वो ट्रकिंग में जरा जी किसी दिन नजर लगी है कॉमन लोगों ने कोविड टाइम में भी बहुत पैसा कोविड टाइम में बहुत पैसा आप इमेजिन करें कि $7, $8, $6 पर माइल कमाया लोगों ने तो $4-5 lakh वही कसर जड़ी है ना हुन निकल रही है वो कसर हुन निकल रही है और जब कोविड टाइम पे अच्छा क्राइसिस आए क्यों ये भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं क्राइसिस इस वजह से आया जी कि कोविड टाइम पे काफी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया हर बंदा एक दूसरे को यार ट्रक च इतना पैसा अन्ना पैसा उस वजह से काफी सारे लोग ट्रकिंग में आ गए तो आपको पता है ये भी सप्लाई डिमांड वाला सीन है डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी बेसिकली ड्राइवर ज्यादा हो गए लोड कम हो गए जिसकी वजह से वो आस्ता आस्ता जी उसका रेट ही गिर गया रेट गिर गया जी अब तो आजकल तो $1.5 से लेके $2, $2.5 $2.25 पर माइल का रेट चल रहा है एवरेज तो आज हम बात करेंगे एवरेज आजकल में इन सालों में आजकल एक ओनर ऑपरेटर अगर आपका ट्रक है तो आप कितने पैसे बना सकते हैं कॉमन हमें तो ऐसे दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है ओनर ऑपरेटर का भी और एज ए जॉब का भी हाँ जी जी काफी लोगों को नहीं पता होगा जी कि हमने 2022 में अपना ट्रक ब्रांड न्यू बाय किया था 2023 मॉडल था फ्रेट लाइनर का कैस्केडिया और वो हमें मिला था जी तब मार्केट में जी ब्लैक में चल रही थी तो हमें कुछ $2.25 lakh का वो ट्रक मिला था तो हम इस वजह से और आपको डिटेल में बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास एज ए ओनर ऑपरेटर भी एक्सपीरियंस है और एज ए ड्राइवर टीम ड्राइवर भी और कंपनी ड्राइवर भी एक्सपीरियंस है
तो बात स्टार्ट करते हैं जी कि ओनर ऑपरेटर्स कितना पैसा बना लेते हैं जी। तो हम आज की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज लगाओ $2 पर माइल, ठीक है, जैसे कि अगर आप अकेले ड्राइवर हो, सोलो ड्राइवर हो, अपना ट्रक है, तो आपने $2 के हिसाब से कमा रहे हो। और अगर आप एक बंदा वीक में एवरेज 2500 माइल से 3000 वो खींच के भी चलाए तो 3000 माइल चला लेता है, 2500, 2600, 2700। आप 2500 लो, 2500 एक हफ्ते में 4 वीक्स वो बने जी आपके 10000 माइल्स। अगर आपने 10000 माइल्स ट्रक चलाया तो $2 के हिसाब से आपने ग्रोस इनकम आई $20,000। ग्रोस इनकम, अब इसमें से फिर आपको अपने खर्चे निकालने पड़ेंगे। फिर वो एक बात आ गई कि ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके पास नया ट्रक है, पुराना ट्रक है, या ट्रक आपके पास पेड ऑफ है। तो हम नए ट्रक की बात कर लेते हैं। यानी कि एक जो ऑनर ऑपरेटर है वो मंथली $20,000 आजकल के दौर में, आजकल के अगर वो कंटिन्यूअसली 10,000 माइल चलाए, क्योंकि ओनर ऑपरेटर रो रहे हैं जी लोड मिलता नहीं। तो वो मैं वैसे बात करूंगा कि 10,000 माइल चला लेता है। जैसे भी हमने बात की कि पहले लोड की प्राइस बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो तब पैसे भी बहुत अच्छे बनते थे। अब जैसा कि लोड की प्राइस कम हो गई है, हालात थोड़े से खराब है, तो इतने अच्छे पैसे ऑनर ऑपरेटर आजकल नहीं बना रहे। 30-35,000-40,000 डॉलर ग्रोस इस जितना ट्रक हम अभी चला रहे हैं, इसे कम चला के हम 35-30-35-40 का ग्रोस कर लेते थे। आप हिसाब लगाए, इतने अच्छे हालात थे। तो बाकी वो अब पूरी दुनिया के साथ ही है। अगर आप $20,000 ग्रोस कमा रहे हैं, उसके अंदर आपकी अगर एक नया ट्रक है, नए ट्रक की $3,000-3500 उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, किस्त होगी, इंश्योरेंस डाल के $1,500-2500 तक की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस भी डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पे कि आपके वायलेशंस कितनी है, टिकट कितनी है, उस हिसाब से इंश्योरेंस। अगर आपका क्लीन रिकॉर्ड है तो आपको इंश्योरेंस सस्ती मिलती है, और एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा है तब भी सस्ती मिलती है। तो वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आप $3,500 वो लगाएं, $2,000 इंश्योरेंस भी लगाएं, $5,500-6,000 तो ये खर्चा है, ये साइड पे कर ले, $6,000 आपने देना ही देना है, ठीक है ना। अनटिल और अनलेस आपने कैश पे बाय किया हुआ ट्रक तो फिर उसकी कोई पेमेंट नहीं। मगर ऐसा होता नहीं, सबकी कोई ना कोई नया ट्रक लेके पेमेंट बनी होती है। अगर यूज भी लिया है तो आपकी $1,500-1800 पेमेंट होगी। अब वो डिपेंड करता है, हम नई ट्रक की बात कर रहे हैं, $6,000 ये खर्चा आ गया। आप उसमें से अगर सोलो 10,000 माइल चलाता तो मेरे ख्याल से उसके 2 टैंक लगेंगे 2500 माइल चलाने में, $1,500 की हफ्ते की गैस लगा लो, डीजल लगा लो, 6,000 की आप डीजल लगा लो एक महीने में। आप ये भी तो बताए ना कि सोलो ड्राइवर क्या है। सोलो मतलब कि अकेला ड्राइवर, जैसे मैं और सायरा दो ड्राइवर हैं, टीम ड्राइवर है, लेकिन जो अकेला चलाता है उसको सोलो ड्राइवर कहते हैं। हाँ जी, तो बात हो रही है सोलो ड्राइवर की। हाँ जी, तो अगर आपने 10,000 माइल चलाया है तो आपके कम से कम $5,000-6,000 का डीजल लग जाएगा, ठीक है। 6,000 खर्चा पहले का, डीजल का खर्चा डाल के जी आप $10,000-12,000 पे कॉस्ट आ गई। बाकी उसमें एक महीने के कोई 300-400 के टोल्स भी लगा दे, वो भी डिपेंड करता है अब आप कहाँ से गुजरते हो, मिड वेस्ट से गुजरते हो, क्या वो आपको किस रीजन में काम कर रहे हो, टोल भी वेरी करता है, ठीक है। कम से कम $350-400 का, क्योंकि जब हमने ट्रक चलाया था हमने एक साल का $11,000 टोल पे किया था, है ना सारा, वो भी लगा लो। खाना पीना लगा के जी इन बुरे हालात में जी एक जो अपना ओनर ऑपरेटर है घर $6,000-7,000 कमा लेता है, जो कि बहुत कम है जी आज के लिहाज से, $7,000-8,000 एवरेज की बात कर रहा हूँ। और अगर आप 2 ड्राइवर हो, खर्चा यही रहेगा, इसमें डीजल का खर्चा थोड़ा ऐड हो जाएगा, माइल्स 20,000 से आप 10,000 माइल से 20,000 माइल्स चला लेंगे या 25,000 चला लेंगे, तो तब आपको 15-20,000 आप अगर 2 बंदे को चला रहे हो अपना ट्रक, 15-20,000 अगर आपके पास अच्छे ब्रोकर हैं, अच्छे डेली आपको लोड मिल रहे हैं, अगर $2 की एवरेज लगाएं तो आप $15-20,000 कमा सकते हो। फिर मैं बात वही करूंगा कि ये आजकल के दौर में ये चल रहा है, ठीक है, लोग इससे भी कम कमा रहे होंगे क्योंकि लोड मिल ही नहीं रहे। तो डिपेंड करता है आपके ब्रोकर, आपका रिलेशनशिप, पीआर कैसी है सबके साथ, आप लोड कहाँ से ले रहे हो, खुद ले रहे हो, क्या ले रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज के लिहाज में अगर आप अकेले हो तो आप घर में $7,000-8,000 लेके जा सकते हो, और अगर आप टीम ड्राइवर्स हो और ओनर ऑपरेटर हो तो आप $15,000-16,000-14,000 लेके जा सकते हो, एवरेज बात कर रहा हूँ।
तो ये जो सारी मैं गुफ्तगु कर रहा हूँ ये प्रेजेंट हालात को देख के कर रहा हूँ। तो अगर आप इससे पीछे चले जाएं, पीछे चले जाते लास्ट ईयर्स सालों में, तो बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। हमने भी बनाया नो डाउट, और हमने कि आप कह लें कि जो सिंगल ड्राइवर ही ड्राइव करता है, अगर वो आज सात आठ बना रहा है तो वो मतलब कि लास्ट ईयर्स में $15,000-$18,000 वो बनाता रहा। इसलिए कहा जाता है जी ट्रक वाले जो है बड़ा पैसा कमाते हैं, वो उन्हीं डेज की बात है। तो आजकल आपको पता है कि इकोनॉमी थोड़ी बैड हुई हुई है, हालात कैसे चल रहे, उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना फर्क पड़ गया हुआ बिजनेस में। तो ये जो सिंपल सिंपल मैथ है, मैंने मैथ आपको बता दिया। $2 एवरेज रखे, दो ड्राइवर चलाएंगे अपने ट्रक को, 20,000 माइल चलाते हैं, 40,000 ग्रोस करेंगे, उसमें से जी आप कोई 14-15-16 बचा लेंगे जी, काफी खर्चे हैं इसके अंदर, क्योंकि डीजल ही बहुत महंगा हो गया। पहले डीजल बहुत सस्ता था, बहुत सस्ता था, तकरीबन $2-2.5 पर गैलन डीजल था, आप इमेजिन करो। आजकल में $4-5 है, तो आधा आधा अगर आपकी $6,000 डीजल लग रहा है तो पहले आपका 2,500-3,000 लगता था। ऐसे ही तो कितने पैसे तो डीजल ले जाता है, बेसिकली मारा जो है ना वो डीजल ने, डीजल ने मारा जी। ये फ्यूल प्राइसेस जब से बढ़ी है, बड़ी है, तो पिछले 2 सालों से तो ये कम ही नहीं हो रहा, 4-5 ऐसे ही तो है। कहने की बात है कि जो है ऑनर ऑपरेटर वो फिर भी हालात जैसे भी हैं लेकिन फिर भी अच्छे पैसे जो है बन जाते हैं। एक जॉब से तो बेहतर है। हाँ जी, इंडिपेंडेंट है, आपने कितना चलाना है आपकी अपनी मर्जी है, रुकना कहाँ पे है, पूरा महीने ही चलाना है, 15 दिन चलाने हैं, हफ्ता चलाना है, काफी चीजों पे काफी आप इंडिपेंडेंट मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रक चला सकते हैं। अब हमने सुबह ही आपको कल के व्लॉग में बताया कि हमने एक महीने में 23,000 miles चलाए हैं, और मैं कंपनी ड्राइवर हूँ, ठीक है। अगर मेरे कंपनी ने 23,000 miles चलाए हैं तो अगर $2 भी लगा लो, शायद वो ज्यादा अच्छे पैसे, 3 भी हो, आई डोंट नो वो कितने डॉलर पे पर माइल पे वो लोड ले रहा है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। वो अगर 23,000 को $2 के हिसाब से $46,000 ग्रोस है, ठीक है, मगर उसने ड्राइवर्स की सैलरी भी निकाल ली है, उसने डीजल भी निकालना है, टोल्स भी निकालने हैं, बाकी खर्चे भी निकालने हैं, मगर वो घर बैठे बैठे फिर भी $7,000-8,000 कमा रहा है, वो चला भी नहीं रहा, मगर डिपेंड करता है, वो हमें वेला नहीं रहने देता। आपने देखा ही होगा, जिस तरह हम लोड, हमें लोड मिल रहे हैं ऐसे मार्केट में नहीं है। ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो तो हमारे व्लॉग्स देख रहे होंगे उनको पता होगा, जो यहाँ के ड्राइवर्स हैं अमेरिकन कनाडा के, उनको आइडिया होगा कि भी मार्केट की सिचुएशन कैसी है, लोड कितना मुश्किल है फाइंड आउट कर। लोगों को अगर डेलिस में आके 2-2 दिन बैठना पड़ रहा है फिर जाके लोड मिलता है, तो सानू असी कहने सानू रोको रुक दे नहीं असी डेलिस आए या लो जी 2 घंटे बाद लोड मिल गया, एल्पासो जा रहे हैं, एल्पासो जी उतारने वहां से रोड रेडी है सुबह, वो आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में बताएगी, वो भी लोड रेडी है, उसके भी आगे हुई है हमारे पास। तो फिर इनकम इसमें अभी भी अच्छी है, वो भी डिपेंड करता है कि जी आपको लोड या ब्रोकर आपके पास कैसा है, लोड कैसे कहाँ से आप उठा रहे हो, ठीक है। हमारी कंपनी बहुत ह्यूज है, उनके काफी रिलेशन है, वो भाई जब वो रुकने नहीं देते तो तुसी वेखे सानू साह नहीं लैंदे तो उनके पास अच्छा काम है। ऑल ओवर काम एंड डिपेंड करता है आपकी डिस्पैच पे। हाँ जी, ठीक है कि आपको अच्छे जो है वो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स आपके पास अच्छे हैं, लोड अच्छे मिल रहे हैं, प्राइस अच्छी मिल रही है, सारी गेम ही जनाब है, सारी गेम है जनाब। तुसी तो चलाई जानी है गड्डी जिधर दा भी मिलना है, तो लेकिन ये है पाकिस्तान से बैठे से रहे। एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, पाकिस्तान से मुझे डेली इतनी ईमेल आती है डिस्पैचर्स की, उन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया है जी डिस्पैच का, अच्छी बात है, मैं इनकरेज करता हूँ, आपको करना चाहिए, घर में बैठे हैं वहां से आप ट्रकिंग डिस्पैच का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे काफी सारे आते हैं। पहली बात तो हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हमारा हाँ डिस्पैच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और जो उनके पास डिस्पैच सिस्टम है वो आप उसको मैच नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आप सीखे काम करें, लोकल ड्राइवर कोई मैक्सिकन और या कोई इंडियन या पंजाबी जिसको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, आप हंट करें उन ड्राइवर्स को, तो क्योंकि डिस्पैच किनको चाहिए होती है, क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं तो मुझे डिस्पैचर इसलिए चाहिए कि
मुझे ड्राइविंग या स्पीकिंग प्रॉब्लम भी, इंग्लिश प्रॉब्लम भी है, तो फिर तो मुझे डिस्पैचर चाहिए या वो मेरे लिए लोड, मैं था कि रोड पे फोकस करूं, वो मेरे लिए पीछे से लोड ढूंढ के। अब मैं ऐसे अल पैसो जा रहा हूं, मेरे डिस्पैचर का काम है, वो अगर पाकिस्तान बैठा है, इंडिया बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो उसका काम है कि मेरे अल पैसो पहुंचने से पहले वहां पे लोड रेडी हो, ठीक है ना। काम ना, आपको याद है कि जब हम अपना ट्रक चलाते थे तो हम खुद ही भी डिस्पैच करते थे अपने? हाँ जी, अब खुद ही करते थे, तो हमारे कंपनी एक दो बहुत अच्छी थी, तो तब हालात भी अच्छे थे, तो हमने ट्रक बेचा क्यों, हालात आपको हम बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब हम बात करेंगे ना, अभी तो हम बात करें ओनर ऑपरेटर्स की इनकम पे, नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे जी कंपनी ड्राइवर्स, एज ए ड्राइवर आप कितने पैसे बना सकते हो, एवरेज क्या चल रहा है आजकल में, तो उस वक्त भी अपनी गपशप को कंटिन्यू करेंगे। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, पता चल गया होगा कि ऑनर ऑपरेटर के क्या हालात हैं, कितने इनकम है, कितने पैसे। कोई ऑनर ऑपरेटर तारू दसे या ना दसे, असी तारू दस, कोई बताता नहीं है जी। तो जितने ऑनर ऑपरेटर देख रहे हैं अगर इस व्लॉग को, प्लीज आप कमेंट करके बताएं जी कि हम सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सदाकत है जरा जी, आप जरा इसको वैलिडेट करें। हाँ जी, तो जी गाइस कमेंट करके बताएं कि जो तो ड्राइवर यहाँ के हैं, ऑनर ऑपरेटर हैं, या जो चला चुके हुए हैं, जो रिटायर भी हो चुके हैं, जो अभी नहीं भी चला रहे, वो भी जी कमेंट करके हमें बताएं। हमारे पास काफी सारे लोग हैं जी जिन्होंने पिछले 30 साल ट्रक चलाया है, और अभी काम ना रिसेंटली मैं किसी का, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने किसी ने कमेंट किया था कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को देखे फिर से इंस्पायर हुआ। सीडियल है, मगर मुझे डर लगता था या क्या प्रॉब्लम थी, मैं चलाया नहीं, मगर आपको देख के जी मुझे जोश आ गया, मैं इंस्पायर्ड हूं, तो मैं आप जी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए जी, हमारे बेस्ट ऑफ लक की बात है। हां जी, तो हमें अच्छा लगता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, अगर हमारे एक्सपीरियंस से किसी का भला हो रहा है तो जी बहुत ही अच्छी बात है। हाँ जी जी, तो इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी बात हो, कोई सवाल हो, ऑनर ऑपरेटर से लेकर ड्राइविंग के स्किल से कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। तो लो जी कामरन जी, 450 मील तेरे को हजे भी ने, ते शामा पातियां ने तुसी नेरे पै गए ने जी, आप जाके सो ना, तो मेरे अब उठने का टाइम हो रहा है, मेरी थोड़ी हेडेक हो रही थी तो मैंने मेडिसिन खा ली, मैं फ्रेश हूं अब, हूं तलब हो रही है जी चाय पीने, चाय यार कॉफी, मैं तो पूरा महीना हो गया चाय नहीं पीती यार, सारा तो कॉफी पी लेते हो। आप नहीं पीते तो आप ऐसा करो ना, अभी रोको ना, तो आप अच्छी सी चाय बनाओ मेरे लिए और अपने। सही बात है, सही है, समोसे भी ले आओगे तो? समोसे मुझे नहीं पसंद। कामन आप मेरी हर बात को ना मजाक में ले लेते हो यार। मैंने क्या कहा, नहीं आप जरा रिप्ले कर लो, मैंने कहा अच्छे में बना दो, समोसे भी ले आते हो, मैंने तो एक आइटम ऐड किया आपकी चाय के साथ। जी गाइस, आपको मिलते हैं चाय, अगर बनती है नहीं बनती देखते हैं जी, चाय पे मिलेंगे, चाय मिले या ना मिले कॉफी तो मिलेगी। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। 1 hour later। हाँ जी जी जी, शिफ्ट मेरी स्टार्ट करने लगी, तो शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले कॉफी, अरे मेरा दिल कर रहा है कोल्ड कॉफी पीने को यार। आप ले वो अपना, नहीं मैंने सोना है फिर कॉफी से यार, फायदा कोई नहीं है ना। चले जी मिलते हैं आपको ट्रक में, सारे की कॉफी होगी रेडी, सी यू इन द ट्रक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जी वेलकम बैक, मैं अपनी हॉट सीट पे आ गई हूँ, कॉफी ले ली है और जी अपना सफर स्टार्ट कर लिया, तो यहाँ से है जी कोई 400 miles रह गए पानी बेचना है सारा महंगा नहीं वैसे यार, $9 का जी, ये ट्रक स्टॉप पे महंगा है वैसे, मैं कैसे $7 का मिल गया था केस वॉलमार्ट से, ये जैसे ना $7 का, फिर भी स्टॉप पे चलो ठीक है, वो उनका भी तो बनता है ना कि आप लेके आए हैं। हां
थोड़ी देर में सो जाऊंगा, सायरा चलाएंगे। पहले करे ना वीडियो रेडी करे जो लगानी है सुबह। हाँ वही काम है, एक घंटे का वो काम है। चलो जी, फ्रीवे पे है जी, वेस्ट 20 पे। हाँ बारा बारा तो चलता है। 44,000 पाउंड है। अरे थोड़ी देर से मेरे से जी खाली ट्रेलर। पानी तो सी क्यों? बोले कि पानी लेके जा रहे हैं। मैंने क्या? 20 टन पानी लेके जा रहे हैं। डबल स्वाब तो कब कर? डबल स्वाब भी। मैं भी कह रही हूँ कि हैवी लग गया स्टेरिंग। और उसकी ग्रिप बड़ी अच्छी है रोड पे। तो वेट ज्यादा ना? हाँ। क्योंकि रात को वेट कम था। रात को ना उसे ही वहाँ निकाल कर आया। वाह वाह मनु तबे मारन में गई यार। ऐसे मैंने सुबह स्टार्ट की है ना तो फिर थी हवा, वो बारिश हो के तूफान गुजर गया था। तो बारिश हुई है थोड़ी सी जैसी मैंने स्टार्ट की है ना शिफ्ट। मैं कह लो जी मैं की दिखावा कर लो जी फिर बारिश है, लेकिन थैंक गॉड कि थोड़ा सा आगे जाके मौसम ठीक हो गया। चलो जी मिलते हैं आपको जी, पहुंच के मिलेंगे। हां सारा पहुंच के मिलेगी। 2 hours later. दो घंटे की ड्राइव के बाद जी शीशियां दा ए हाल है। रुकना नहीं था तो जी मिरर क्लीन करने के लिए रुकना पड़ गया क्योंकि विंडशील्ड बहुत ज्यादा खराब हो गई, वो आगे से लाइट पड़ती नजर नहीं आता जी। तो रुके हैं जी, कामरान जी सर सही जी साफ करके दो तो। मेरे को तो निशान भी नहीं लाते थे। वही फिर गलत करा दोबारा। निशान भी इतने ढीठ वाले ही होते हैं, उतरते नहीं है। चलो की करिए यार, प्रिंदिया ने भी तुझे करनी है ना पोटी। प्रिंदिया ने भी तो वॉशरूम ही बने। चलो आप जल्दी से करो फिर। पायलट है, बहुत बड़े बड़े ट्रक स्टॉप है, जगह नहीं लग दी थी, जगह थी उनसे लग नहीं रही, स्टिल खुल गया, हमें जगह मिल गई बड़ी मुश्किल से। और हम यहाँ पे 4 बजे तकरीबन सुबह सोए, अभी उठे जी 8:30 का टाइम है और 9 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 8:50 में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो इस रोड को डिलीवर कर देंगे जो कि यहाँ से बिल्कुल 12 माइल्स दूर है इस वक्त। तो चलो जी लोड डिलीवर करके तब मिलते हैं। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫਟਾਫਟ ਹੋ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ। ਕਾਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਹੀ ਸੁਬਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਧਰ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇੰਟਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇਹ ਇਸ A few moments later. तो जी गाइस पेप्सी वालों का लोड हो चुका है डिलीवर, अभी-अभी हुआ है कि मुझे पेपर वर्क दे दिया कि बड़ी बात है जी, ये यूजुअली 3-4 घंटे लेते हैं तो आज उन्होंने 45 मिनट में कर दिया। तो सायरस हो गई, अभी नेक्स्ट लोड भी मिल चुका है, बल्कि रात के हमें पता था यहाँ से उठाना है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट लोड की डिटेल आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि हम एल पैसो मैक्सिको बॉर्डर से कहाँ पे जा रहे हैं। उसके लिए जी आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा जी, वो भी बड़ा लंबा सफ़र है और मौसम भी अच्छा है, वो भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो जी मिलेंगे जी आपको नेक्स्ट डे में नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी ट्रकिंग वीडियोज़ टाइमली देख सकें। तो
बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।